गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिफेंसिव डिजीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे। उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं डिजीज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो होता है डिजीज, ये डिजीज जो होता है मेनली बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसका जो ग्रोथ होता है, हेयर का कलर जो होता है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है, स्किन जो होता है वो स्किन डिजीज मतलब झुलसा जाता है, स्किन में कोई जान नहीं रह जाता है, डायरिया हो जाता है। ये सभी लक्षण हम क्वाशियोरकर वाले डिजीज में होने वाले बच्चों में अक्सर देखा करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक आता है मेरिस्मस, ये भी एक डिजीज ही होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाने के कारण ये रोग बच्चों में देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, राइट। उनका जो ग्रोथ होता है वो कम्प्लीटली रुक सा जाता है, किसी भी तरीके का उसमें ग्रोथ नहीं देखा जा सकता है। तो एक क्वाशियोरकर और मेरिस्मस जो होते हैं ये दोनों ही बच्चों में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कुछ डिजीज दिए हुए हैं और उसका डिफिशेंसी डिजीज और सिम्टोम्स दिए हुए हैं, बारी बारी करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी को ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है, पुअर विजन हो जाता है डिम लाइट में भी, राइट। विटामिन बी वन, ये इसे हम लोग बेरी बेरी कहते हैं। इसमें पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और माउथ जो होता है वो सौर लगने लगता है, खट्टा सा लगता है, ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, एपेटाइट पेल बॉडी हो जाता है, राइट। विटामिन सी, इसे हम लोग स्कॉर्बी डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें पेशेंट जो होते हैं उनका जो गम्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाता है, टीथ जो होता है वो बहुत बहुत ही बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। विटामिन डी जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं, इसमें बच्चे का जो बोन होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी वो अक्सर ब्रेक कर जाता है या बीच से वो बेंड कर जाता है, ठीक है। विटामिन के, हीमोफीलिया लाइक कंडीशन, इसमें कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कट फट जाता है तो इसमें एक्सेस ब्लीडिंग होने लगता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, यानी क्लॉटिंग करने का जो कैपेसिटी होता है बहुत कम हो जाता है। तो ये इसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं और ये विटामिन के कमी के कारण होता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मिनरल से होने वाले डिजीज और उसका सिम्टोम्स। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये मिनरल है और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसका सिम्टोम्स क्या है, ब्रिटल बोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, पुअर मस्कुलर मूवमेंट, ये सारे सिम्टोम्स देखे जा सकते हैं पेशेंट में। इसके बाद आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, लैकोस्टेमिना और एंड एपेटाइट, पेल बॉडी, यानी कुल मिलाकर कहें तो
ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में। आयोडीन, गोइटर जिसे हम लोग भिंगा रोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, लार्ज थायराइड ग्लैंड, जो ये देख सकते हैं यहाँ फोटो में भी दिया हुआ है, इधर दिखाया गया है, यहाँ पे गोइटर है और ये रिकेट का है पेशेंट, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग ने डिजीज के बारे में स्टडी किया, विटामिन से होने वाले डिजीज के बारे में और मिनरल से होने वाले डिजीज के बारे में स्टडी किया। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग फिर फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।